दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गो ग्रीन विद मी। तो मैं आपका दोस्त आदि। तो हम एक केक बनाएंगे और मेरा भाई एक केक से कुछ मिक्स कर रहे हैं। तो केक बनाने के लिए हमें चाहिए इसी भी चीनी, मैदा, चॉकलेट, कॉफ़ी पाउडर और बटर और थोड़ा सा घी। तो सबसे पहले हमें चॉकलेट के पीसेस बनाने होंगे। तो पहले चॉकलेट। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, मेरा भाई अब तक इस वीडियो को होस्ट कर रहा था, तो अब मैं आपका होस्ट और दोस्त ईशान फिर से इस वीडियो को होस्ट करने आ गया हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हमने चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस किए, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाली और अब हम उसमें मिल्क डाल के उसे मेल्ट कर रहे हैं। तो हमने ये मिल्क पहले ही गर्म रख लिया था और अब हम इसे कवर कर देंगे जिससे कि ये मेल्ट हो जाए। तो अब हम बनाएंगे हमारा ओवन। तो इसमें हम अपना सॉल्ट डालेंगे अच्छे से फैला के। आप एक कढ़ाई को यूज़ कर सकते हैं इसमें। हम इसको अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे। तो इस स्टैंड को रखने के बाद हम इसे एक प्लेट से कवर कर देंगे प्री हीट के लिए। तो हम इसे कवर करने के बाद ऑन कर। तो अब हम अपने केक का बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले 40 ग्राम्स ऑफ बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करने के बाद हम इतने ही क्वांटिटी में घी ऐड करेंगे। तो फिर घी ऐड करने के बाद हम इसमें पाउडर्ड शुगर डालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में ग्राइंड करी थी। और अब हम अपना रियल मेहनत का काम शुरू करेंगे जो है इसको मिक्स करना। तो आप इसको अराउंड 15 से 20 मिनट्स तक मिक्स करेंगे जब तक आपको ये ना लगे कि तो हम इसे तब तक फेंटते रहेंगे जब तक हमें ये ना लगे कि हमारा बैटर फ्लफ़ी हो गया है। तो ये केक मैंने और मेरे पापा ने मिलके बनाया है क्योंकि मेरा भाई केक खाने के लिए ज़िद कर रहा था और हम बाहर की चीज़ें तो खा नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम घर पे केक बनाएं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हमारा केक का बैटर थोड़ा थोड़ा फ्लफ़ी होने लगा है, इसलिए अब हम इसमें हमारी चॉकलेट ऐड करेंगे। तो हम इसमें पूरी चॉकलेट एक साथ ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो। तो अब हम इसे कंटिन्यू मिक्स करते जाएंगे और अब हम एक लास्ट गो में अपनी सारी बची हुई चॉकलेट को इसमें ऐड कर देंगे। तो सारी चॉकलेट ऐड होने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम इसमें हमारी मैदा ऐड करेंगे। तो हम इसको एक सीव से इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि इसमें कुछ भी थोड़ी सी गंदगी हो वो निकल जाए। तो हम इसमें मैदा ऐड करने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। हम इसमें ये दोनों चीज़ें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने हमारे केक में एग नहीं डाला है। तो हमें इसे हमारे केक को फ्लफ़ी बनाने के लिए और थोड़ा और केक को फूलने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और फेटेंगे। तो हमारा केक का बैटर भी अब तैयार ही है और हमारा जो ओवन है वो भी दूसरी तरफ तैयार हो गया है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे जिससे कि जब हमारा केक बन के तैयार हो जाए तो इसमें चिपके ना। तो अब हमारा जो बैटर है हम उसे इस बर्तन में पोर कर देंगे। तो अब हम अपने इस बर्तन को हमारे जो ओवन के अंदर जो स्टैंड था उसके ऊपर रख देंगे और इसे 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, हमारा ओवन एकदम हीटअप होके तैयार है और हमारा केक इसके अंदर चला गया है। तो आधे घंटे के बाद आपको केक की खुशबू आने लगेगी और आप फिर अपने केक को आके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगा आधे घंटे के बाद। तो अब ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम हमारे केक को ओवन से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, हमारा केक कितना अच्छा फूल गया है और कितना फ्लफ़ी हो गया है।
तो ये देखिए हमारा केक अब बन के तैयार है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आप चाहें तो इस केक को किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि जेम्स से या फिर चॉकलेट को मेल्ट करके। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी कुछ इंटरेस्टिंग फूड के बारे में है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अब तैयार रहिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ़।